स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का ट्वीट, 6 देशों के यात्रियों को टेस्ट कराकर आना जरूरी होगा, 1 जनवरी से नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग एयर सुविधा पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी है। तो ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका कोरोना के केसेस यहां पर भी बढ़े हैं। जापान की बात करें तो 8वीं लहर का कहर यहां पर भी देखने के लिए मिल रहा है। चीन की बात करें कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भारत में अगर बात करें तो अगले 40 दिन बेहद ही अहम माने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट रहने के लिए कह रहा है। देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी लगातार की जा रही है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों के जो हालात है इस वक्त दुनिया में। और भारत के लिए अगले 40 दिन काफी अहम बताए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में 39 विदेश। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोरोना संक्रमित मिले हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अलर्ट रहने को कहा गया है। तो लगातार अपील भी की जा रही है, गाइडलाइन जारी की जा रही है। 40 दिन का यहाँ पर युद्ध है जो कि कोरोना के विरुद्ध है, और इसको लेकर 40 दिन बहुत अहम रहने वाले हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, इटली चीन की फ्लाइट में 50% यात्री संक्रमित। 2 फ्लाइट में करीब 50% यात्री संक्रमित पाए गए हैं। चीन से मिलान आ रही ये फ्लाइट जिसमें पॉजिटिव मरीज मिले हैं, फ्लाइट में 38% यात्री संक्रमित पाए गए हैं। दूसरी फ्लाइट में 52% यात्री संक्रमित पाए गए हैं। तो चीन से आ रही थी ये फ्लाइट जिसमें ये पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। चलिए, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।